हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पाठ 22, बायां दायां। यहाँ हम प्रवृत्ति देखेंगे। नीचे एक हाथ के पंजे का चित्र बना है, उस पर अपनी हथेली रखिए। हथेली कागज की तरफ रहे, इस तरह पंजे रखिए। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, यहाँ पंजा कागज़ पे रखा गया है और उसका चित्र बना है। अपना अंगूठा और अंगुलियाँ चित्र में दर्शाए गए अंगूठे और अंगुलियों पर रखिए। तो आपको अपना दाहिना हाथ एक कागज़ पे रखना है और ऐसे ही पंजा बनाना है। आपने जो हाथ चित्र पर रखा है वह आपका दायां हाथ है। आपने अभी जो चित्र देखा वो दाएं हाथ का चित्र है। अब अपना दूसरा हाथ कॉपी के पन्ने पर रखिए और दाएं हाथ से उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाकर चित्र बनाइए। अभी आपको दाएं हाथ से उसके किनारे पेंसिल चलाना है बायां हाथ रख के। आगे देखिए, मिलकर आइए मिलकर गीत गाएं। यहाँ पे एक गीत दिया गया है जो दाएं हाथ के लिए। करो दायां हाथ ऊपर, करो बायां हाथ नीचे, करो दोनों हाथ ऊपर, साथ मिलकर गोल गोल घूमो। करो दायां हाथ ऊपर, करो बायां हाथ ऊपर, करो दायां हाथ नीचे, करो दोनों हाथ नीचे, साथ कूदो करो दायां हाथ ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक गीत दिया है दाएं हाथ के लिए, दाएं हाथ के लिए दिया गया है। अभी यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे, बाएं हाथ का गीत। ये दाएं हाथ का गीत था, अब यहाँ पे हम बाएं हाथ का गीत देखेंगे। लिखिए, तो यहाँ पे दायां दिया गया है, सेम वही रहेगा, ये गीत यहाँ पे रहेगा, सिर्फ दाएं की जगह यहाँ पे बायां आ जाएगा। यहाँ पे हम बाएं के लिए देखेंगे, करो बायां हाथ ऊपर, करो दायां हाथ नीचे, करो दोनों हाथ ऊपर, साथ मिलकर गोल गोल घूमो। करो बायां हाथ ऊपर, करो दायां हाथ ऊपर, करो बायां हाथ नीचे, करो दोनों हाथ नीचे, साथ साथ कूदो करो बायां हाथ ऊपर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि दाएं की जगह सिर्फ बायां लगाना है और बाएं की जगह दायां लगाना है। इसी तरह आप बाएं पैर और दाएं पैर के लिए भी गाओ। आपको अभी जैसे आपने हाथ के लिए पढ़ा, अभी आपको ऐसे ही गीत पैर के लिए बनाकर अपने नोट में लिखना है। देखिए और बताइए, यदि आप क्लास में बैठे हैं तो आपके सामने क्या है? अगर क्लास में आप बैठे हैं तो आपके सामने ब्लैक बोर्ड होगा। क्या होगा? ब्लैक बोर्ड। आपके बाईं ओर क्या है? आपके बाईं ओर, जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो आपके बाईं ओर क्या होगा? या फिर बच्चे हैं, आपके सहपाठी मित्र, या फिर दीवार होगा। आप बैठकर कल्पना कर सकते हो। कौन सी वस्तुएं आपके पीछे हैं? अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपके पीछे क्या है? आपके दोस्त हो सकते हैं, जैसे रौनक, विकास, मोहन, सोहन, कोई भी आपके पीछे जो दोस्त बैठे हों, जो लड़के बैठे हों, वो हो सकते हैं। आप किसके दाईं ओर बैठे हैं? यदि आप, जैसे कि मानकर हम चलते हैं कि आपके दाईं ओर विकास बैठा है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि दाईं ओर विकास बैठा है। अगले में, आपके दाहिनी ओर कौन बैठा है? आप किसके दाईं ओर बैठे हैं? तो यहाँ पे विकास लिखेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है आपके दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो यहाँ भी आएगा विकास। दाहिनी ओर कौन आप बैठे हो, यानी विकास के दाहिनी ओर आप बैठे हो और वो आपकी दाईं ओर विकास बैठा है। आगे, आप किसके दाईं ओर बैठे हो? विकास के। आप जिसके पास बैठे हो दायां बायां, वहाँ पे आप लिखोगे। हाव भाव के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा, वह दायां बायां, ऊपर नीचे,
आगे पीछे स्वयं अपने अनुभव से सीखेंगे। आप अपने आप से अनुभव कर सकते हो कि हमारा दाहिना और बायां क्या है। आप ऐसे चित्र में, आपको ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये दाहिने हाथ का चित्र है, तो आपको बाएं हाथ का चित्र कैसे होगा? आप कैपिटल लेटर का वी जानते हैं, तो समझ लो कैपिटल लेटर जिस साइड का होता है वो हमारा बाएं हाथ होता है, और दाहिने साइड का डी दाहिना हाथ और बी बायां हाथ। यही हम समझ के चलेंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे हम देखेंगे, पढ़िए और बनाइए। यह एक चित्र है जिसमें रुद्रिया बीच में है। अब तुम इसी में चित्र बनाइए। रुद्रिया के पीछे किताब है, रुद्रिया के आगे पेड़ है, और रुद्रिया के दाईं तरफ किसी का फूल है, मतलब कोई भी फूल है। रुद्रिया की बाईं तरफ एक कुर्सी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रुद्रिया बीच में बैठी हुई है, तो यहाँ पे ऊपर क्या है, पेड़ है, उसके सामने पेड़ है, और ये बाएं साइड है उसका। बाएं साइड में क्या है, कुर्सी है, और यहाँ दाहिना साइड है, दाहिने साइड में फूल बताया गया है, और ये रुद्रिया का दायां हाथ है। तो समझ लो उसका बायां हाथ किस साइड में होगा, कुर्सी के साइड में होगा, और उसके पीछे क्या है, किताब। आप अपनी नोट में ये बना सकते हैं। रुद्रिया को घर से स्कूल पहुंचाइए। चित्र में स्कूल देखिए, घर से स्कूल तक का रास्ता भी ढूंढिए। अब रुद्रिया के घर से स्कूल तक का रास्ता रंगीन पेंसिल से दिखाइए। आइए हम चित्र में देखते हैं कि रुद्रिया का घर कहाँ है। ये देखिए रुद्रिया का घर है, और ये रुद्रिया है। रुद्रिया इस यहाँ से होके स्कूल से इस रास्ते से जाती है, और यहाँ पे इस रास्ते से होकर उसको क्या क्या रास्ते में मिलता है आप देख सकते हो। यहाँ पर पेड़ मिला, और पेड़ के बगल में ही उसका स्कूल है। आगे हम देखेंगे, अभी इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं ये हम देखेंगे। सोचिए और लिखिए, रुद्रिया को घर से स्कूल तक के रास्ते में कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिलेंगी उनके नाम लिखिए। तो हम अभी देखेंगे कि रुद्रिया के क्या क्या मिला है उन रास्ते में, वो हम लिखेंगे। यहाँ पर रुद्रिया को घर से स्कूल तक रास्ते में कौन कौन सी जगह मिली और चीज़ें मिलेंगी उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले उसको घर से निकलने में गांव का घर मिला, यहाँ पे हम घर लिखेंगे, और फिर हैंडपम्प मिला, फिर उसके बाद पेड़ मिला था, इसके बाद फिर कुआं मिला था, फिर पार्क मिला उसको, बस स्टॉप मिला, डाकघर मिला, और फिर अस्पताल मिला, इसके बाद उसको दुकान मिली, फिर पेड़ मिला, इसके बाद उसका स्कूल आया। तो आगे हम देखेंगे उसके बाईं ओर कौन कौन सी जगह और चीज़ें मिलेंगी। अभी मैंने समझाया कि आपका बायां हाथ और दायां हाथ कौन सा हो सकता है, तो स्कूल के बाईं तरफ और स्कूल के दाईं तरफ कौन कौन सी वस्तुएं और कौन कौन सी जगह आएगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाईं ओर कौन कौन सी जगह मिलेगी और चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे हम देखेंगे। पहले दाईं दाईं तरफ क्या मिलेगा, स्कूल, डाकघर, और कुआं, पार्क और पेड़, ये हमें दाईं साइड में मिला है। अभी हम बाईं साइड में देखेंगे, अस्पताल, बस स्टॉप, गांव का घर, हैंडपम्प और दुकान, बाद में क्या आया, पेड़। आगे देखेंगे, पता कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।